हेलो डेवलपर्स, आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फिग्मा डिज़ाइंस को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि नए डेवलपर्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं फिग्मा को समझने में, कैसे मेज़रमेंट लेनी है, कैसे एसेट्स को एक्सपोर्ट करना है और कैसे पिक्सल परफेक्ट वेब पेजेस को बनाना है। तो ये सीरीज़ बिगनर और एडवांस दोनों डेवलपर्स के लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फिग्मा मेज़रमेंट कैसे लेनी है, स्पेसिंग कैसे देखनी है, प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्लीन CSS कैसे लिखनी है और एसेट्स को कैसे एक्सपोर्ट करना है। अगर आप भी अपने फिग्मा डिज़ाइन को रियल इंटरेक्टिव वेब पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। तो डेवलपर्स शुरू करते हैं, रेडी हो जाइए। और सबसे पहला जो डिज़ाइन है हमारा वो होने वाला है जस्ट मैंने होम पेज फ्री फिग्मा, गूगल पे ये टाइप कीजिए और आपको बहुत सारे लैंडिंग पेजेस मिल जाएंगे। तो हम ओपन करते हैं टॉप फाइल्स और यहाँ पर आपको ये ट्रैवल वेबसाइट का लैंडिंग पेज मिल जाएगा। अब इसको ओपन कीजिए, मैंने ऑलरेडी दूसरे ब्राउज़र में किया हुआ है तो इस टैब में स्विच करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें हेडर सेक्शन है, हीरो सेक्शन है, हमारे पास कैटेगरीज़ का सेक्शन है, हमारे पास टॉप सेलिंग्स कार्ड्स हैं जिसमें, और हमारे पास में स्टेप्स का सेक्शन है, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट लोगोज, न्यूज़लेटर और फुटर सेक्शन है। तो ये सेक्शन हमने ऑलरेडी HTML में कन्वर्ट किए हुए हैं, मैं इस टैब के अंदर आपको दिखाऊंगा। बट मेन चीज़ ये है कि इस सब को कन्वर्ट करने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। हम स्टेप बाय स्टेप इन सेक्शंस को कन्वर्ट करेंगे। पहले वीडियो में मैं सिर्फ हेडर और हीरो सेक्शन को ही सिर्फ कन्वर्ट करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और धीरे धीरे करके मैं रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे जो आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, आप लोग कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट के सेक्शंस को भी धीरे धीरे करके वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मेन चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैटेगरीज़ का सेक्शन है, अब इसमें एक होवर स्टेट दी हुई है तो आप इसको कितना, आप नॉर्मल सिर्फ होवर पे ये जो पैटर्न है या जो भी आप इसको बोलोगे इसको आप शो करके भी दिखा सकते हो, बट आप उसमें एनिमेशंस किस हिसाब से लगाते हो। या फिर फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट आपका टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन है, इसमें आप एनिमेशन किस हिसाब से लगाते हो, फेड लगाते हो, स्लाइड लगाते हो, और आप इसको किस हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहे हो, मीनिंग कि आपके सामने एक टेस्टिमोनियल है और पीछे एक और टेस्टिमोनियल है, मीनिंग ये एक स्लाइडर हमको ये दिखाना चाह रहा है कि जब स्लाइड चेंज होती है तो पीछे वाला जो टेस्टिमोनियल है वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो मैं आपको इसका कन्वर्टेड वर्जन दिखाता हूँ। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, ये जो आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, स्क्रॉल इफ़ेक्ट हो गया, या फिर ये जो माइनर सी डिटेल्स हैं, ये प्लेन्स जो हैं ये मूव हो रहे हैं, ये आपको कहीं फिग्मा पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है। तो हम इस वीडियो में यही एक्सप्लोर करेंगे कि हम कहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी कितने हद तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं हमारे सेक्शंस, ये देखिए वही होवर वाला सेक्शन है, फिर ये हमारा टॉप सेलिंग, फिर ये हमारा स्टेप वाला सेक्शन, फिर ये हमारा टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन जो मैं आपको बता रहा था, ये स्लाइडर, फिर उसके बाद हमारे क्लाइंट्स लोगो, ये न्यूज़, और फिर ये फुटर। तो ये एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें, ये आपको खुद की क्रिएटिविटी लगानी होती है और ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हेडर और हीरो सेक्शन से, और क्या माइंडसेट के साथ में मैं देखता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं मेज़र करता हूँ, कंटेनर किस हिसाब से देखते हैं, ब्रेक पॉइंट्स क्या रहते हैं, ये सब हम धीरे धीरे करके इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या थर्ड पार्टी प्लगइन्स मैंने यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेडर और हीरो सेक्शन से, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।